टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ियों का आज वो सम्मान करेंगे। सीएम के साथ अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहने वाले हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। डीएम सुहास एलवाई प्रवीण कुमार को भी 4-4 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। पैरालंपिक के पदक विजेताओं का सम्मान कार्यक्रम है आज, और ऐसे में इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सीएम लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के सजग नजर आ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। यहाँ पर डीएम सुहास एलवाई प्रवीण कुमार को भी 4-4 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, और इसके साथ उनको भी सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि सुहास एलवाई और प्रवीण कुमार ने भी जो अद्भुत प्रदर्शन किया है टोक्यो पैरालंपिक में वो सराहनीय है, और इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सभी पैरालंपिक के खिलाड़ियों का आज सम्मान करने जा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे ताकि आने वाले समय में वो बेहतर से और भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज सीएम योगी का मेरठ दौरा है, तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी रजनीश पांडे का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, अगर बात की जाए आज की, तो आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद सम्मान करने वाले हैं, और इसके साथ ही हौसला अफजाई भी। किस तरीके से तैयारियां की गई है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ 9:55 पे यहाँ से उड़ान, उनके जो चार्टर्ड प्लेन है उससे वो हिंडन एयरपोर्ट जाएंगे, उसके बाद मेरठ जाएंगे। देखिए, अपने आप में एक और प्रदेशों के लिए नज़ीर हो सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जब से सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, या कह सकते हैं बीजेपी की सरकार है, जिस तरीके से खेलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक शिकायत रहा है कि खेलों पर सरकारों का ध्यान नहीं रहता है, जो आज लगभग 32.5 करोड़ का जो धनराशि बटनी है, कहीं ना कहीं इससे उन खिलाड़ियों में हौसला अफजाई होगा जो ओलंपिक में जाने के लिए सपना संजोए हुए हैं। तो इस प्रकार के जो आयोजन है अपने आप में उसका अपना एक नायब उदाहरण हो सकता है और प्रदेशों के लिए, क्योंकि एक शिकायत रहा है कि हरियाणा के बाद कोई और प्रदेश में खेल को लेके बहुत सार्थक प्रयास नहीं किए जाते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने आप में उदाहरण बना। इसके पहले भी सम्मान हुआ था और आज भी उन पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान होने जा रहा है। बिल्कुल, और उसमें कोई सम्मान ही उनकी हौसला अफजाई होगा, आने वाले समय में और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यही कामना।